ओम शांति, ओम शांति। बाप दादा बोले मीठे बच्चे, कभी मतभेद में आकर पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ाई छोड़ने से माया अजगर के पेट में चले जाएंगे। प्रश्न, ये सत्संग कोई कामन नहीं है, ये कामन सत्संग न होने के कारण बाप को किन किन बातों में बच्चों को बार बार सावधान करना पड़ता है, क्योंकि ये सत्संग कामन रीति से नहीं है, सुना और फिर चले गए, जो चाहिए वो करते रहो, परंतु ये पढ़ाई और वो पढ़ाई भी धारण करनी है, ऐसी जीवन बनानी है। उत्तर है, ये सत्संग दुनिया के सत्संगों के तरह नहीं है, यहाँ तो पावन बनने की शिक्षा मिलती है, पावन बनने में माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं, इसलिए बाप को बार बार सावधान करना पड़ता है। बच्चे कभी कुछ भी हो, तुम सुख दुख निंदा उस्तति सुनते हुए भी पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना, अपने को मियां मिठू समझ करके किसकी गिलानी मत करना। माया बड़ी चंचल है, अगर बाप से रूठ करके पढ़ाई छोड़ दी तो माया एकदम माथा मूंद लेंगी, ग्रहचारी बैठ जाएंगी, इसलिए सदा श्रीमत लेते रहना, बाप दादा की राय में कभी भी टीका टिप्पणी नहीं करना। देखो बाप कितना रहम दिल, सीधे सीधे शब्दों में साफ साफ बात बता रहे हैं, बच्चे ऐसे ऐसे नहीं करना। गीत भी है, बढ़ना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। बाबा कहते हैं ये तो तुम बच्चे जानते हैं, कहते तो हो ना, बाबा हम सब आपके हैं और जानते हैं ये पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी ही है। ये है, बाबा कहते ये है बेहद के रावण की लंका, दुनिया ये कौन सी है, बेहद के रावण की लंका जो विनाश होनी ही है। वो जो शिलानाद में लंका दिखाते हैं वो तो बात ही बिल्कुल झूठी है, सिलान तो एक टापू है समुद्र के बीच में, बेहद का बाप समझाते हैं वास्तव में देखो तो ये सारी दुनिया समुद्र के ऊपर ही है, ऑल राउंड समुद्र है, दिखाते हैं ना, वास्को डी गामा ने ऑल राउंड चक्कर लगाया, गोया धरती पानी के ऊपर ठहरी हुई है, तो बेट हो गया ना। ये बेहद की खाड़ी है, रावण का राज सारे बेहद के आयलन पर है, ये बेहद की लंका है, सब शिला नहीं परंतु सारी दुनिया। वो समय तो अब है ना, रावण का राज वो समय तो अब है ना। देखो शास्त्रों में कितने गपोरे लगा दिए हैं, हम भी वही समझते थे जो शास्त्रों की बातें सुनते थे, शायद ऐसा हुआ होगा, कुछ भी ख्याल चलता नहीं था। जब उन बातों पर विचार करें तब तो ख्याल चले ना,
बुद्धि बिल्कुल लाकप थी, जो सुना वो सतवचन महाराज। अब तो बाप ने आकर के बुद्धि का ताला खोला है। मनुष्य तो समझते हैं कि राम ने बंदर सेना ली, उन्होंने बंदरों ने पत्थर उठाए, पुल बनाई, क्या क्या बातें बैठ के बनाई है। आग तो इस समय सारी दुनिया को लगनी है। ये भारत ही अविनाशी बाप की अविनाशी जन्मभूमि है, इसलिए भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। बरोबर यही भारत प्राचीन था, अब तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। बरोबर ये भारत अविनाशी खंड है। जो भी इस समय खंड कहे जाते हैं वे तो सब विनाश होने वाले हैं, विनाश ज्वाला में खत्म हो जाएंगे। ये विनाश ज्वाला भी इस यज्ञ से प्रज्वलित हुई है, लड़ाई यहाँ से ही शुरू हुई है। अभी तो छोटी छोटी रिहर्सल है, तुम्हारे बुद्धि में है कि सारी दुनिया में ही अब रावण का राज्य है, इसका अब अंत है और राम राज की आद है। ये बातें और किसके भी बुद्धि में नहीं है, तुम थोड़े से ब्राह्मण ही इन बातों को जानते हो, समझते भी हो कि बरोबर अब तो ये सारी दुनिया खत्म हो जाएंगी और हम बच्चे बाबा के गले का हार बन जाएंगे और फिर हम नई दुनिया में चले जाएंगे। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी तो हूबहू रिपीट होती रहती है। देखो ये कितना अच्छा चक्कर बना हुआ है, कलयुग अंत और सत्ययुग आद। अब है कलयुग अंत और सत्ययुग आद। इस समय सभी धर्म भी जरूर है, तो ये हिस्ट्री मस्ट रिपीट, जरूर रिपीट होनी ही चाहिए। अर्थात कलयुग के बाद सत्ययुग जरूर होना है। जैसे दिन के बाद रात निश्चित है, रात के बाद दिन जरूर आता है, ऐसे हो नहीं सकता कि दिन के बाद रात ना आवे। तो बाप तो तुम्हें सब राज आकर के स्पष्ट करके समझाते हैं। हम एक्टर्स 84 जन्म कैसे लेते हैं वो भी तो जानना चाहिए। 84 लाख जन्मों की तो बात ही नहीं है, कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है, उसमें 84 लाख जन्म कैसे हो सकते हैं। वे लोग तो तुमको कहते हैं शास्त्रों में तो ऐसे लिखा हुआ नहीं है, परंतु बाबा कहते हैं ये तो तुम्हारी सब कल्पना ही है। ये न जाने मनुष्य हमको कहते हैं जो तुम बताते हो कल्पना है, और हम फिर उनको कहते हैं। बाबा कहते हैं वे बेचारे न जानने के कारण ऐसे कहते रहते हैं, शास्त्र पढ़ते रहते हैं, उनका तो कोई दोष नहीं है। बाबा कहते हैं सत्युग में ये शास्त्र कहानियां नावल्स आद होंगे ही नहीं, वहां तो भारत बिल्कुल सच खंड बन जाता है। भारत खंड ही सबसे बड़े ते बड़ा यात्रा स्थान है। यहाँ देखो सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा भारी बना हुआ है, ऐसा मंदिर कब कहाँ भी बन ही नहीं सकता है। फिर भी ये मंदिर आद बनेंगे, रिपीट होंगी ना हिस्ट्री, कब बनेंगे ये मंदिर, फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा
तब बनाते हैं, और कोई तो बना नहीं सकते हैं। जो पहले पहले देवताएं जब द्वापर शुरू होता है तो वो ही होते हैं, इसलिए जब भक्ति मार्ग शुरू होगा उनका तब ही बनाएंगे, और कोई तो बना नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो संबत भी बता सकते हो, आज से फलाने संबत के बाद भक्ति शुरू होंगी, है ना। कल्प की आयु जानते हैं, आधा कल्प 2500 वर्ष, और फिर 2500 वर्ष के बाद भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। पहले लक्ष्मी नारायण ही तो पुजारी बनेंगे, सिंगल ताज होगा, शिव बाबा का सोमनाथ मंदिर वही बनाएंगे। फिर भी जो गायन है, जो हिस्ट्री दिखाती है, मेहमद गजनवी ने आके लूटा था, फिर भी मेहमद गजनवी आकर के लूटेंगे। बाबा कहते अब ये सब बातें तुम बच्चों को बाप ही बैठ करके समझाते हैं, कहते भी तो है भगवान आया आकर के गीता का ज्ञान इतना सुनाया जो सागर को स्याही बना दो, झाड़ों को कलम बना लो, जंगल को कलम बना लो तो भी, धरती को कागज बना लो तो भी वो लिख नहीं सकते। और उन्होंने फिर देखो वही भगवान उवाच गीता, कहते हैं श्रोमणि श्री मत भगवत गीता कितनी छोटी बना दी है, गीता इतनी छोटी बनाते हैं जो लॉकेट में भी डाल करके पहनते हैं, वैल्यूएबल चीज है ना, इतना लव गीता के लिए रहता है। बाबा ने भी इतनी छोटी सी सोने की डब्बी में डाल करके प्रेजेंट दी थी। अब तुम बच्चे समझते हो ज्ञान का सागर, अब तुम बच्चे समझते हो कि ज्ञान का सागर बाप वही आकर के इतना सारा ज्ञान हमें सुनाता है। जो अब तुम्हें बाप ये ज्ञान का सागर अथाह ज्ञान देते रहते हैं, जो अंत तक देते ही रहेंगे। हम यह मुरलियाँ इकट्ठी कर सकेंगे क्या, इतनी सारी मुरलियाँ पाकिस्तान में 14 वर्ष जो मुरलियाँ चली, जब आए इंडिया में तो इतनी मुरलियाँ पहले तो रखते आए फिर कहाँ करें। तो बाबा कहते हैं ये रखने की चीज ही नहीं है। क्यों नहीं रखने की चीज है गुप्ता जी, क्यों नहीं रखने की चीज है? क्योंकि आगे चल के तो सब विनाश में तो सब चला ही जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं, और बड़ी बात बाबा ने देखो कैसा गुहराज बताया है, क्यों नहीं ये रखने की चीज है, शास्त्र आदि तो फिर भी भक्ति मारे के काम में आते हैं, तो वो फिर निकलते हैं। हम जो लिखते हैं वो फिर क्या काम में लगाएंगे, वो काम में ही नहीं आता है, क्योंकि वो बदल जाते हैं ना, जो नए नए बनते हैं, जो जितना सुना सकते हैं सुनाते हैं वही शास्त्र बनते हैं। हम जो लिखते हैं वो फिर क्या काम में आएंगे, कहाँ तो हमारे पास केवल 2-4 हजार मूल्यां निकलती है, और कहाँ उनके करोड़ों के अंदाज में गीताएं बनती हैं सभी भाषाओं में, क्योंकि सर्वशास्त्रमयी श्रोमणि गीता का बहुत मान है। गीता शास्त्र आदि कितने पढ़ते होंगे, बाप समझाते हैं ये ज्ञान
अब जो तुमको मिलता है ये बिल्कुल ही नया है, इसका पुस्तक तो कोई है ही नहीं। भगवान स्वयं आकर के तुम्हें राजयोग सिखलाते हैं, तो ये अब तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम्हारे में भी इस ज्ञान के नशे में रहने वाले बहुत थोड़े हैं। अब शुरू होती है सारी सिखाएं। आज इस नशे में रहते हैं, कल भूल जाते हैं। बाप को भूल जाते हैं तो ज्ञान को भी भूल जाते हैं। फिर बाप को फारकती दे दी तो खलास, बाप का बन करके अगर विकार में गए तो गला ही घुट जाएगा, कुछ भी बोल नहीं सकेंगे। जो बहुत अच्छा अच्छा प्रचार करते थे, देखो वे आज है नहीं। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी का आपस में मतभेद हुआ, बाप से भी रूठ जाते हैं कि बाबा इनको समझाते ही नहीं है। कंप्लेन बाबा के पास ले आते हैं तो कहते हैं बाबा इनको कुछ समझाते ही नहीं है, ये नहीं करते वो नहीं करते, आखिरी ऐसे कहते कहते रूठ करके पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, क्या बाबा कहते हैं जितना समझदार इधर है उतना ही बाबा कहते हैं महामूर्ख देखना हो तो यहाँ आकर के देखो।